बीजेपी के लिए काम कर रही है मायावती और ओवैसी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राकेश टिकैत ने लगाया बड़ा आरोप। भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तो बनाया जा रहा है लेकिन इसमें दीवारें फाइबर की हैं, पत्थरों से कैसे किसी की इमारत को मजबूत किया जा सकता है, ये ज्ञान बीजेपी को मायावती से लेना चाहिए। दो दिवसीय प्रवास पर राकेश टिकैत शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। फैजाबाद से सोराब फार्मा मऊ होते हुए किसानों की कार्यशाला में पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि 22 जनवरी से भव्य राम मंदिर के अनावरण के अवसर पर किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि राम तो सभी के हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को राम मंदिर के अनावरण के समय ना बुलाने के एक सांसद के बयान पर कहा कि लोगों को लगने लगा है कि इस प्रकार की विवादित बयान देकर भी राजनीतिक और वोट का फायदा उठा सकते हैं। योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अयोध्या में नकली विकास हो रहा है, दिखावा ज्यादा है और फर्जीवाड़ा हो रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में किसानों की भूमिका के सवाल पर टिकैत ने कहा कि बीजेपी वाले फिर से फर्जीवाड़ा करेंगे, किसान तो केवल अधिकार के लिए आंदोलन करना जानता है और वह वही करेगा। वहीं आगामी प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे, इस सवाल पर राकेश टिकैत का जवाब गोलमोल रहा। उन्होंने कहा कि जिसका काम अच्छा होगा किसान उसी को वोट देंगे। हालांकि किसानों की हालत उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों में खराब बताते हुए कहा कि अन्नदाताओं की जमीनें अधिग्रहण में जा रही हैं, किसानों को कर्ज पर कर्ज देकर उनकी जमीनें हथियाने की योजना है। वहीं उन्होंने कुश्ती संघ के चुनाव पर भी बोलते हुए कहा कि बजरंग पूनिया द्वारा पद्मश्री हताश में लौटाया गया क्योंकि 6 महीने तक आंदोलन हुआ लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कार्यशाला में किसानों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के लिए तरीके बताए। कहा कि एकजुटता बहुत जरूरी है, किसान अपने आप को कमजोर समझ लेता है, यही गलत है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। सरकार दावा करती है कि 83 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है लेकिन इसके बदले में किसानों को 5 कुंटल अनाज की क्षमता वाले खेत को आवारा जानवर चर रहे हैं। इससे किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच रहा है। अब इसमें ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किस तरीके से अपना रुख अख्तियार करते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किस तरीके से या चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े।